प्रदेश सरकार की तरफ से दिग्विजय नाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय में युवाओं के तकनीकी सशक्तिकरण के लिए छात्रों को निशुल्क स्मार्टफोन का वितरण किया गया, जिसके संबंध में दिग्विजय नाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर ओपी सिंह ने बताया कि गुरुवार को ग्रेजुएशन तृतीय वर्ष के 1105 विद्यार्थियों को निःशुल्क स्मार्टफोन का वितरण किया गया है, जिसमें बीकॉम, बीएससी, बीए और बीएड के विद्यार्थी शामिल हैं। ऐसे कॉलेज के 1105 विद्यार्थियों को उनके सशक्तिकरण के लिए व उनके अंदर स्किल डेवलपमेंट के लिए प्रदेश सरकार की तरफ से निःशुल्क स्मार्टफोन का वितरण किया गया है। उन्होंने कहा, हम विद्यार्थियों को प्रेरित करेंगे कि जो सरकार ने आपको स्मार्टफोन दिया है उसका सकारात्मक उपयोग करते हुए अपने विद्यार्थी जीवन में अंकों में वृद्धि व सूचनाओं को समय से प्राप्त करके जीवन में कामयाबी हासिल करेंगे। वहीं स्मार्टफोन मिलने पर छात्राओं ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को धन्यवाद दिया और कहा कि स्मार्टफोन मिलने से पढ़ाई में आसानी होगी और किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने में सहयोग प्राप्त होगा। इस अवसर पर महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के अध्यक्ष प्रोफेसर यूपी सिंह सहित महाविद्यालय की छात्र व छात्राएं उपस्थित रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए दिग्विजय नाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय की स्मार्टफोन पाने वाली छात्राओं और प्राचार्य डॉक्टर ओपी सिंह एवं महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के अध्यक्ष प्रोफेसर यूपी सिंह ने कहा, और आप सब लोग का मैं अपनी ओर से महाविद्यालय की ओर से मैं आपको कामना करता हूँ। लेकिन शिक्षा का जो स्वरूप है बराबर तेजी से बढ़ता है। ट्रेडिशनल शिक्षा का महत्व है, हम ये नहीं कह सकते हैं ट्रेडिशनल शिक्षा का महत्व नहीं है। क्लासरूम शिक्षा का अपनी जगह पर महत्व है, रहेगा, क्योंकि उसी शिक्षक से और छात्र से सीधे संपर्क बनता है और यह सीधे संपर्क बनना किसी भी छात्र या छात्रा के व्यक्तित्व के विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसका महत्व है। इसी प्रकार का मॉडर्न टेक्नोलॉजी भी तेजी के साथ डेवलप कर रहे हैं, विज्ञान तेजी से बढ़ रहा है, तो हम लोगों को वैज्ञानिक और टेक्नोलॉजिकल जो टेक्निक हैं उनसे भी उनको जानकारी का करनी चाहिए, जानकारी उनसे उन्हें अवगत होना चाहिए और इसके लिए स्मार्टफोन एक बहुत ही महत्वपूर्ण माध्यम है। मुझे ये फोन पाके बहुत ही अच्छा फील हो रहा है और सर पूरा आगे इसने रिकॉर्ड किया। कैसा लग रहा है, सरकार के लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं सरकार को कहना, मतलब अपने योगी आदित्यनाथ रिस्पेक्टेड चीफ मिनिस्टर, मैं बोलना चाहूँगी कि ये स्टूडेंट्स के सारे मतलब सोशल मीडिया से जुड़ने का एक ऐसा पहल, बहुत ही सक्सेसफुल पहल है, जिसके द्वारा जिन बच्चों को आर्थिक मतलब आर्थिक तंगी आर्थिक रूप से मजबूर होंगे, जो मोबाइल फ़ोन की वजह से अपने कुछ वर्क्स नहीं कर पाते हैं, वो कर सकेंगे और अपना सोशल मीडिया के सारे वर्क्स करके अपना मतलब किसी भी चीज़ में योगदान दे सकेंगे। प्रियंका मिश्रा, मैं सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी और इस फ़ोन का मैं, क्योंकि आने वाले समय में मैं एक टीचर बनने जा रही हूँ बीएड सेकेंड ईयर, और उसके लिए
लिए बहुत ज़रूरी है, अगर हमको हमारे प्रोफेशन के लिए ये ज़रूरी है, बल्कि हम लोग को लैपटॉप मिलना चाहिए था टीचिंग प्रोफेशन के लिए। तो आगे से मैं सरकार को यही मैसेज दूंगी कि टीचर्स के लिए तो लैपटॉप या टैबलेट ज़रूरी है, क्योंकि अभी हम लोग कोरोना काल में देखे कि टीचर्स और स्टूडेंट के बीच में बहुत बड़ा एक गैप, एक वैकम क्रिएट हो गया था, उसको फ़ोन ने और टैबलेट ने ही भरा, उसकी वजह से हम कनेक्ट हो पाए डायरेक्टली अपने टीचर्स को और हम लोग क्लासरूम जैसा एटमॉस्फियर फील किया हम लोगों ने, हम सारे लेक्चर सुन पाते थे, अपने टीचर से डिस्कस कर पाते थे। तो ये फ़ोन बहुत ज़रूरी है और टीचिंग लाइन के लिए तो बहुत ही मस्ट है ये। आज 1105 ग्रेजुएशन तृतीय वर्ष के विद्यार्थी, जिसमें बीकॉम, बीएससी, बीए और बीएड के विद्यार्थी हैं, ऐसे 1105 विद्यार्थियों को आज इस कार्यक्रम के माध्यम से उनके सशक्तिकरण के लिए, उनके में स्किल डेवलपमेंट के लिए और सूचना के संवहन के लिए उनको दक्ष बनाने के उद्देश्य से आज इस कार्यक्रम में उनको वितरित किया जाएगा। देखिए, विज्ञान अभिशाप और वरदान दोनों है, ये उसके अनुपयोग पे निर्भर करता है। हम विद्यार्थियों को प्रेरित करेंगे कि जो सरकार ने आपको ये डिवाइस दिया है, इस डिवाइस का आप सकारात्मक उपयोग करते हुए अपने विद्यार्थी जीवन में आप अंकों में वृद्धि करेंगे, ज्ञान में वृद्धि करेंगे, सूचनाओं से आप लैस होंगे और जीवन में कामयाबी हासिल करेंगे। मैं ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है और उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये सोचा है कि नई पीढ़ी में ज्ञान, टेक्नोलॉजी और खासतौर से जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उसका उनके अंदर समावेश होना चाहिए नई पीढ़ी के अंतर्गत। इसलिए उन्होंने इस कार्यक्रम को पूरे उत्तर प्रदेश में किया है, स्मार्टफोन और लैपटॉप के मिश्रण का कार्यक्रम। मुझे विश्वास है कि हमारे छात्र और छात्राएं इस कार्यक्रम का समुचित उपयोग करते हुए अपने व्यक्तित्व का विकास करेंगे। और जब मैंने कहा कि शिक्षा के 5 आयाम होते हैं, नॉलेज यानी ज्ञान, स्किल यानी कौशल, विजन यानी दृष्टि, आइडेंटिटी यानी पहचान, समाज को पहचानने की शक्ति और अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण संतुलन, समाज में संतुलन स्थापित करना। तो हमारे जो इस विद्यालय में जो अंतिम वर्ष के, तृतीय वर्ष के जो छात्र हैं, जिनके लिए यह कार्यक्रम आज अभी इसमें आयोजित किया गया है, वो मेरे पौत्र और पौत्रियों के समान हैं। मैं उनको आशीर्वाद देता हूँ और मैं विश्वास करता हूँ कि स्मार्टफोन के माध्यम से वे अपने विकास का विकास करेंगे, अपनी बौद्धिक शक्ति का विकास करेंगे, मन में अंचे संस्कारों का विकास करेंगे और समाज के प्रति सेवा और समरसता का भाव पैदा करेंगे। इन शब्दों के साथ मैं महाविद्यालय के प्राचार्य जी को, रुद्राचार्य जी को, पूरे महाविद्यालय परिवार को मैं अपनी ओर से मैं धन्यवाद देता हूँ, शुभकामनाएँ देता हूँ और उन्होंने मुझे इन्वाइट किया, इसके लिए मैं उनके प्रति आभार प्रकट करता हूँ।